भाई को एक दिक्कत हो गई है भाई, क्या हुआ? इधर से जा, थोड़ा सा आगे जा, उधर कहीं खो जा, बैक कर जा। देखो इसको आती नहीं है भाई चलानी। फोन है मेरे हाथ में। भोलेनाथ की नगरी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सेम डे की दूसरी वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो वही मेरे साथ है प्रसून भाई और अक्षय भाई। हम लोगों का एकदम से ऐसी रैंडम प्लान बना के भाई चलते हैं और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:49, यहाँ देख सकते हो आप। तो सुबह के बज रहे हैं 5:50, हम लोग निकले हैं। ये दिखा रहा है 8:40 तक हम पहुंच भी जाएंगे। तो भाई रस्ते में है और एंजॉयमेंट कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का ही होने वाला है, क्योंकि जब भी मेरे ये दो भाई आते हैं ना, हम लोग कुछ अलग ही मस्ती करते हैं। जैसे हमने आज है ना वो मॉकटेल जो बनाई भाई, गजब मजा आ गया था सबसे। मतलब इतना इतनी खुशी मिली ना। ओ भाई वेदर देखना इस समय कितना प्यारा व्यू है यार, मस्त लग रहा है भाई। कुछ भी है ना, कितना जबरदस्त लग रहा है भाई। हम इंडिया में ही है ना भाई। इस समय वेदर ऐसा हो रखा है ना कि हमें सीरियसली ऐसा लग रहा है कि हम जैसे किसी बाहर की कंट्री में नहीं आ जाते, वैसा सा ही सीन हो रहा है। सुबह का टेम्परेचर इतना प्यारा हो रखा है भाई, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मजा ही आ गया भाई। सीन कुछ ऐसा है, अभी तुम्हारा भाई ना सॉक्स रख के लाया सारी पैकेजिंग, क्योंकि जल्दी से करनी थी, मम्मी पापा तो सो रहे थे, रात को हमें निकलना था। अब क्या हुआ है कि मैं सॉक्स तो ले आया यार, लेकिन जूते लाना भूल गया। मैं चप्पल ही पहनी हुई थी यार, रात को एकदम से ऐसे प्लान बना कि चल रहे हैं यार ऋषिकेश चलते हैं और ये वो। तो अब मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, लेकिन यार जूते तो लाना भूल गया, मैं सॉक्स पहन के क्या ही करूंगा वहां पे। नहीं तो सॉक्स पे चप्पल पहनी था। यार मतलब ये क्या ही सेंस होती है ना। बाकी तुम रास्ता एंजॉय करो, जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है ना सुबह सुबह आकर। वैसे अच्छा ही लगता है और 8:40 में पहुंच जाएंगे जैसा ये दिखा रहा है। तो हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं, अभी बस 2 घंटे और 11 मिनट का रास्ता बचा हुआ है और ये तो यू फट से बीत जाएगा। अब मैं आपको मिलूंगा ना जब जैसे हरिद्वार पहुंच करके, तो सबसे पहले तो डुबकी मार देंगे और एक विकेट हमारी डाउन हो चुकी है भाई। ये भाई यार डाउन नहीं हुई है, डाउन नहीं आ रहे हैं, इन्हें आवाज सुन के अपने जग गया। तो भाई सब ले लिया हमने पानी की बोतल, यहाँ टोल के पास रुके थे और भाई को एक दिक्कत हो गई है भाई, क्या हुआ है? भाई को आ रही है पोटी। बीच रास्ते पे अगर किसी को पोटी आ जाए, ये पता है ये होता है कभी कभी। कुछ लोग होते हैं जिनको ना ट्रिप पे शुरू होते ही ट्रिप और कुछ ना कुछ ऐसे पोटी वगैरह आती ही आती है डेफिनेटली। पोटी आ रही है, पोटी है हंसते हंसते कट गए रास्ते। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अब ये सोचा ना इन खेतों में जाऊं और इस बोतल को लेकर चला जा, क्या दिक्कत क्या है, चला जा। अरे चला जा यार, कोई बात, पहले ऐसे जाते थे लोग, अभी भी जाते हैं कई गांव में। हाँ देख मेरी बात सुन, ऐसे इधर से जा, थोड़ा सा आगे जा, उधर कहीं खो जा, हमें तो दिखे ना अपने। छीछी करा छीछी। इनका भी जूस निकलना है भाई गन्नों का। अरे यार कितनी गंदी गंदी बातें हो रही है यार, कैसे से हो यार हम लोग अलग ही सीन हुआ है भाई। ज्यादा तेज आ रही है क्या? नहीं नहीं भाई, कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है। एकदम ऐसा लगा जैसे सर में मार दिया मैंने दरवाजा, किसी का गेट बंद नहीं। तो चलो जी भाई को ऐसे हरिद्वार ले जाएंगे अब, या कोई रास्ते में मिला तो करा देंगे, तू टेंशन मत लियो भाई। अरे इतना नहीं है यार, लेकिन बस यहाँ पे मत करियो गाड़ी के अंदर। मैं वैसे तेरे को पता है क्या बोलने वाला था, हमें एक वो जो इमरजेंसी पॉट वाला होता है ना, अच्छा सीट, वो लेके चलनी चाहिए। अच्छा मतलब ये क्या बोल रहे हो तू? भाई कहीं भी उसे भी इसमें मतलब यार मतलब हम स्मेल कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? स्मेल नहीं यार, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस गाड़ी के अंदर, पता है हमने तो देखा नहीं भाई आज तक। अरे पॉट नहीं भाई, सिर्फ सीट बैठने के लिए। अच्छा अच्छा, उस सीट के नीचे का माल कहाँ से जाएगा? अरे यार मतलब क्रॉसिंग कैसे होगी? वेस्ट वेस्ट के लिए बिन होता है। अच्छा पन्नी जी जो होती है वो ब्लैक कलर वाली है, उसमें रहता है क्या? और फिर धोएगा कैसे? जो आउटिंग टूर करते हैं वो लोग रखते हैं। मतलब इतनी पवित्र जगह जा रहे हो और चूचू पॉटी की बातें हो रही है यहाँ पे यार, व्हाट इज दिस? चूचू पॉटी भी एक नेचर स्कॉल है कोई। नहीं वो चीज तो ठीक है चलो यार, लेकिन ये तो बता कि उसमें धोने वाला क्या हिसाब होता है? कर तो लिया आपने पॉलिथिन में भाई, बिस्लरी ली है ना। अच्छा
मतलब यार मतलब सुबह सुबह तुमने मूड ऐसा बदबूदार कर दिया। तो भाई हम आए हैं इस रेस्टोरेंट में हगाने हगने नहीं हगाने साथ। अच्छा साथ देगा, चल ठीक है ये बात तो ठीक है, चल तू कर ले भाई। लॉक है यार, शिट यार प्रसून भाई। भाई की जान में जान आई है ना भाई, ये देखो शिवाले में जाएगा। प्रसून शिवाले में जाना यार। One hour later. है भाई रिलैक्स लग रहा है एकदम, पेट एकदम खाली खाली सा है ना। अब सही है, अब तो रास्ता काट जाएगा, अब भी बीच में आ सकती है। हाँ झूल ले झूल, बैठ भी पाएंगे इस पे? ओ भैया नहीं बैठ पाएंगे। अब चला तो सही, अब ऐसे तो उस पे बैठ जाते यार। हाँ यार उस पे चल, इस पे झूल के देखते हैं। आओ पहले तू मेरे को झुला दे यार एक बार, जरा आराम से झुलाइयो भाई। वाह ओ फोन है मेरे हाथ में। क्या हो गया अबे भाई, तो पैर में नीचे रख सकते बच्चा छोटे। ओ ओ टूट टेढ़ा जा रहा है भाई ये, अभी अपने बच गया। अभी हमारे साथ भी यही हुआ था। आइए आगे हो जा भाई, ये मस्त है भाई। बस कोई सोच सकता है हम लेटेस्ट टॉयलेट यूज करके आएगा। भाई कसम से लेडीज टॉयलेट यूज करना पड़ा, क्योंकि जो जेंट्स था ना वो कुछ ज्यादा गंदा हो रहा था। नहीं मैं के अंदर टॉयलेट के अंदर अब पता है, सुबह सुबह की बात थी, हमने कहा चलो चलते हैं, क्या ही जा रहा है ना, टॉयलेट ही तो करना है, कोई बात नहीं। ये रात में अच्छा लगता होगा भाई, चलो भाई उतरते हैं। क्रिएटिविटी अच्छी है। हाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर जिस हिसाब से लोकेशन है ना उस हिसाब से रेस्टोरेंट अच्छा है ना। हाँ व्यू देखो भाई सुंदर, आप खुला होता तो चाय तो पी लेते कम से कम सुबह सुबह। लेकिन चले निकले फिर, वो देखो उसको होश ही नहीं है, वो कह रहा है अबे छोड़ो क्या ही करना है। ये देखो बैक कर रहे हो, देखो इसको आती नहीं है भाई चलानी, लाइसेंस है लौंडे पे लेकिन चलानी नहीं आती। भाई जाना है इसी गाड़ी में, चल ठीक है देखें। भैया लॉक खोलना आ नहीं रहा भाई को। A few moments later. स्टार्ट नहीं हो रही इस पे। ओ हो गई भाई, हो गई स्टार्ट तो कर दी लौंडे ने। वो बैठा भाई है अभी उधर झूले पे, वो कर रहा है कर रहा है। इस पे गाड़ी चलानी नहीं आती, आजा आजा यू कैन डू इट आजा। ओ भैया घुमा तो दी भाई लौंडे ने खाली रास्ते पे। क्या बात है, तुझे तुझे एक चीज याद है, जब हम एक बार ना हम पे सेंटर होते भाई, इसने क्या करा ये लेकर गया और इसने ना बीच रोड पे रोक दी मोड़ते हुए, कह रहा अब इससे ज्यादा नहीं चलेगी मेरे पे। भाई मैं बीच सड़क पे उतर के ना, मतलब एक होता है कि साइड में रोकी इधर रोकी उधर, भाई बीच ऐसे लगा दी, इधर की भी एंट्री बंद उधर से भी एंट्री बंद, खतरनाक आदमी है भाई ये। आ जाओ लाला जी आ जाओ। तो गाइस आ गए हैं हम हरिद्वार। भाई मेरा ना कुछ कनेक्शन है जरूर पहाड़ों के साथ, मैं आए दिन तो हरिद्वार ही मिलता हूँ। अभी मेरी लास्ट जो वीडियो आई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो आई बटन में लगा रहा हूँ मैं, वो आप देख लेना, वो भी हरिद्वार से होते हुए मसूरी बनता है। तो मतलब पहाड़ों के साथ तो ऐसा कनेक्शन है कि बस हर हफ्ते ही लो पहाड़ पे चलो पहाड़ पे चलो। तो देखो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ और बहुत कुछ अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है, रोड चल रही है ऐसी। हरिद्वार बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर। सुबह से हमने काफी अच्छा ट्रैवल करा और रास्ता इतना अच्छा बीता है भाई, मजा सा आ गया आज, स्वाद आ गया ना। ये तो खैर सो ही गया था, ये बाउल के मारे मौसम भी अच्छा हो गया था। तू नहीं
मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई, ये कुछ भी कितनी देर भी सो ले कहेंगे हम सोए नहीं, हम कहाँ सोए, खराटे ले लेंगे, खराटे की लेनी चाहिए थी। हाँ खराटे ले लेके सो रहा था, मतलब मैं इतना मन था मेरा शूट करने का, मैं इसके चक्कर में शूट भी नहीं कर पाया कि बाबू जी ऐसे खराटे ले रहे हैं सही में इतने भयंकर खराटे कौन लेता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार, गाड़ी पार्क कर दी है पीछे, अपना गोप्रो का सेटअप ये रहा, और अब हम सीधा जाएंगे नहाने, डुबकी मारेंगे बढ़िया करके, आपको भी हरिद्वार के दर्शन कराऊंगा। देखो जरा माहौल देखो, ये पार्किंग है एक बहुत बड़ी सी जो बिल्कुल हर की पौड़ी के पास में है, तो अभी नीचे चलते हैं सीधा दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग। सबसे देखो जरा हालत देखो गाड़ी की, खचाखच भरी पड़ी है भाई, बहुत ही बड़ी पार्किंग है ये वाली ना, और सबसे सही पार्किंग यही है, यहीं आना कभी भी आओ तो। अच्छा देखो यहाँ से ये रही ना एंट्री, तो बस इतना इजी रहेगा आने के लिए, वरना हमें भी एक दो पार्किंग ऐसी मिली थी जहाँ पर हमने मतलब अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद 1 किलोमीटर दूर था, फिर यहाँ तक आना पड़ता, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका, हमने ये वाली पार्किंग ढूंढ ली है। भोलेनाथ की नगरी